सिर्फ गुनाह दाखिल करा के छोड़ दिया गया, ऐसे स्कूलों को बंद क्यों नहीं कराया जाता? पर बच्चों का भविष्य खतरे में है, सुन नहीं रहे, इसलिए तो उन पर FIR दाखिल किया गया। सर आप पास शिक्षण अधिकारी हैं, पूरा पावर है स्कूलों को बंद कराने का। स्कूल बंद होने चाहिए, गुनाह दाखिल करा के तो बच्चे हैं, उनका भविष्य अधर में है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से हम मुंब्रा के TMC स्कूल क्रमांक 13 उर्दू का जो स्कूल है, इसकी खबर आपको लगातार जो दिखाई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि स्कूल का काम शुरू किया गया है। दरअसल आज मनपा के शिक्षण विभाग के जो अधिकारी है बाला साहब राक्षे, वो इस स्कूल पर विजिट किए थे और उन्होंने बताया कि स्कूल में जो दरवाजे टूटे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड टूटे हुए हैं, इसके अलावा जो पत्रे जो थे वो टूटे हुए हैं, और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये इन सभी का काम जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और टीचरों की इस स्कूल में कमी थी, 14 टीचर इसमें थे, जिसमें से 5 से 6 टीचर को और यहाँ पर एक साल के लिए टेम्प्रोरी बेस पर यहाँ पर नियुक्त किया गया, यानी टोटल अब 20 टीचर इस स्कूल में होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पत्रे का छपरे का काम भी जो है शुरू किया गया। यहाँ पर एक बाउंड्री दीवार थी जो गिर गई थी, उस बाउंड्री दीवार का भी काम देखेंगे कि आप शुरू किया गया है। साफ तौर पर शिक्षण विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि स्कूल में जो दरवाजे इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो पूरा काम जो है वो करके दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज विजिट किया और हालात को देखा, समझा कि वाकई में यहाँ पर कितनी जो है शिक्षा की अध्यापकों की ज़रूरत है, और जिस तरह से खस्ता हाल है उसको दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब से हमने ये खबर दिखाई, उसके बाद से ही अर्सिया वेलफेयर फाउंडेशन की जो BJP से ताल्लुक़ रखती हैं, रीदा रशीद समाज सेवक हैं, जुनैद अंसारी और सैयद अली अशरफ भाई साहब, ऐसे और बहुत सारे लोगों ने इस स्कूल के पीछे मेहनत किया, फॉलोअप किया, लेटर दिया शिक्षण विभाग अधिकारी को कि इस स्कूल में जो है टीचरों की नियुक्ति की जाए, और आखिरकार कहीं ना कहीं इन लोगों की मेहनत जो है वो अब रंग लाई। मनपा के शिक्षण विभाग के अधिकारी यहाँ पर विजिट किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि टीचरों की नियुक्ति हो गई है और जो भी काम है जल्द से जल्द वो पूरा किया जाएगा। साथ ही शिक्षण विभाग के अधिकारी से जिस तरह से इलीगल स्कूल जो चल रहे हैं मुंब्रा में हो या दीवा में हो, जो भी 47 या 37 स्कूल इलीगल है, उन पर गुनाह दाखिल किया गया था, उससे सवाल किया गया कि आखिर ऐसे अवैध तरीके से जो स्कूल चलाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, क्या उन स्कूलों के खिलाफ सिर्फ गुनाह दाखिल करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा? ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करके उन्हें पूर्ण रूप से बंद क्यों नहीं किया जाता? हालांकि बंद करने के बाद तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उनके ऊपर उन्हें एक बार चेताया गया, लेटर दिया गया, और फिर उनके ऊपर अब गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। मुंब्रा के MM वली स्थित TMC उर्दू स्कूल क्रमांक 13 में आज जो है मनपा शिक्षण विभाग के अधिकारी बाला साहब राक्षे विजिट किए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। सर आप शिक्षण विभाग से आए हैं, यहाँ पर मुंब्रा का जो TMC स्कूल है उर्दू का 13 नंबर, आपने वहाँ पर विजिट किया, दायरा लिया, जिस तरह से वहाँ की हालात खस्ता है, विजिट करने के बाद आपने क्या देखा और किस तरह से उसका काम शुरू किया जाएगा? अभी देखो, ये जो TMC स्कूल 13 नंबर है वहाँ पर अभी दुरुस्ती का काम शुरू है, जो रिटेनिंग वॉल है उसका काम अभी बांधकाम विभाग की तरफ से शुरू है, जो अपना ध्वज स्तंभ की जगह है वहाँ पर भी रिपेयरिंग शुरू है, और जो खराब पत्रा है, खराब खिड़की है और दरवाजे जो है उनको भी रिपेयरिंग करने का काम शुरू है। यहाँ पर इंजीनियर भी हमारे साथ अवेलेबल है और जल्द ही वो काम पूरा किया जाए, लाइट्स वगैरह जो सब। अभी पहले पत्रा और दरवाजे का रिपेयर होगा, उसके बाद में अंदर का लाइट और फैन का रिपेयरिंग हो जाएगा। सर इसके अलावा टीचर्स की जो कमी थी, बताया जा रहा था करीब 30 टीचरों की यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन 13 से 14 ही टीचर्स थे, तो कितने टीचरों की अभी तक भर्ती हुई है, कितने अभी हुए? अभी क्या है, नियर अबाउट 150 टोटल स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, तो उसके हिसाब से अभी 20 टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं, तो अभी 15 टीचर अवेलेबल है, कल से 5 टीचर ज्वाइन हो जाएंगे, और अभी टीचर पूरे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे और विद्यार्थियों का जो शिक्षा की कार्यवाही वो ठीक ढंग से, जो खेल का मैदान है उसको लेकर भी घास वगैरह वहाँ पर उसका वहाँ पर भी जो 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 गार्डन विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनको भी पत्र स्कूल ने लिखा है और हमारी तरफ से भी सूचनाएँ उनको गई है, वो भी वहाँ का वो जो गवत वगैरह है वो सब निकाला गया है,
और उसको भी जल्दी से ठीक किया जाए। टोटल कितने, टोटल कितने दिन में स्कूल का काम पूरा हो जाएगा? नहीं, ये अभी क्या है, सब अपने ये गार्डन डिपार्टमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रहेगा, अपना बांधकाम विभाग रहेगा, वो अभी उनका काम जारी है और हमारा कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सर जैसा कि अभी देखा गया है जल्दी से जल्दी ये काम निपटाया जाएगा। अभी सब जो जो समस्याएं यहाँ हैं वो सब एक एक करके समस्या हल की जाएंगी और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कैसे होंगी इस पर हमारा पूरा ध्यान है। सर आपने जो है कुछ दिन पहले ही दीवा प्रभाग समिति में करीब 47 से 44 स्कूलों पर गुनाह दाखिल कराया है, इलीगल स्कूल है, सिर्फ गुनाह दाखिल करा के छोड़ दिया गया, ऐसे स्कूलों को बंद क्यों नहीं कराया जाता? इस पर बच्चों का भविष्य खतरे में है क्योंकि वो इलीगल स्कूल है। नहीं, ये इलीगल स्कूलों को हमारी तरफ से बार बार नोटिस दी गई है, उनको द्रव्य दंड की भी नोटिस दी गई है और वो सुन नहीं रहे, इसलिए तो उन पर FIR दाखिल किया गया। सर आप लोगों के पास शिक्षण अधिकारी हैं, पूरा पावर है स्कूलों को बंद कराने का, स्कूल बंद होने चाहिए, गुनाह दाखिल करा के कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में है। अभी फिर से हम पुलिस स्टेशन को पत्र दिया है कि तुरंत इनके ऊपर अभी कार्रवाई करके गुनाह दाखिल करके, वो एक अलग मामला होगा, लेकिन स्कूल को जिस तरह से चलाया जाता है ना, फिर भी गुनाह दाखिल करने के बाद भी चलता है, इसके लिए तो स्कूलों को स्ट्रिक्टली बंद क्यों नहीं किया जाता? नहीं, बंद करने के लिए हमने अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब से हम पत्र व्यवहार किया है ऑलरेडी और वो एक जो वो सुन नहीं रहे थे इसलिए तो अब हमने गुनाह दाखिल किया है और फिर से हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं। फॉलोअप कैसा लेंगे आप, किस तरह का फॉलोअप है? जो अभी जिनका पट संख्या कम है वो कैसे हम समायोजित कर सकते हैं, इसलिए हमारे जो क्षेत्रीय नियंत्रण में हमारे अधिकारी है, पर सुपरवाइजर है, उनको दिशा निर्देश दिए गए। थैंक यू। जिस तरीके से इस पे आवाज़ उठाई जा रही है स्कूल के मुद्दे को लेके, जो परेशानी थी स्कूल में, जो तकलीफ थी बच्चों को, तो आज ये मैडम से भी बात हुई हमारी, वो किसी काम से गए हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो दौरा हुआ है उस पर ज़रा देखो क्या है और अच्छा काम चालू हो गया, इसके लिए बहुत खुशी है और हर किसी की मेहनत है, अच्छा है, हर कोई मेहनत कर रहा है स्कूल के लिए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस पे और मेहनत करना चाहिए, अच्छा लगा। अभी ये आपने बातचीत की, क्या कहा शिक्षण अधिकारी ने? वो बताया ना उन्होंने कि काम चालू हो गया, एक एक करके हर काम को लिया जाएगा और ये मतलब काम पूरा करके देंगे, टीचर वगैरह जो भी कमी है स्कूल के ताल्लुक से, जो तकलीफ़ थी वो हर तकलीफ़ दूर हो जाएगी, तो अच्छा लगा इनका जो आश्वासन है जिस पे काम भी हो रहा है, अच्छा लगा ये कि हम लोग शुरू से इसको फॉलोअप ले रहे हैं। उसका रीज़न ये था ना कि कुछ बच्चों की शिकायत आई स्कूल से लेकर के, उनके पेरेंट्स से बात हुई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दादा से मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि तुम उसका फॉलोअप स्टार्ट करो और जिस तरीके से होता है पत्र व्यवहार करो। हमने किया, रविंद्र भाई, चंद्र भाई, हम लोग ने मिल करके, शगुफ्ता, उन्होंने जा करके पूरा आके पहले उसका सर्वे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो सुनी, उसके बाद हमने अपने पत्र में वो सारी चीज़ें जो है ना आयुक्त से कही, उनसे शिकायत करी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल के जो ये खस्ता हालात है उसको सुधारें, यहाँ पे टीचर्स की कमी है, उनको भी आप किसी भी तरीके से अपॉइंट करवाएं, चाहे आप टेंडर के थ्रू करवाते हैं या परमानेंट टीचर्स होते हैं उस तरीके से। 25 टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी और बच्चे जो 150 के ऊपर थे जिनको रिक्वायरमेंट थी, कुछ बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, कुछ बच्चे डेली आ रहे थे। आज जाकर के इस चीज़ पे मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं बहुत खुशी से ये कहने को चाह रहा हूँ कि शिक्षण अधिकारी जो है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है ना 5 से 7 टीचर जो एक्स्ट्रा जो कम पढ़ रहे थे उनकी उन्होंने नियुक्ति करवा दी है और हमने उनसे पूछा कि क्या ये परमानेंट टीचर होंगे, तो कहा कि नहीं, ये ईयरली टेम्प्रेरी होंगे, लेकिन इस साल की कम अज़ कम पढ़ाई महफूज हो गई।